मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब सीधा जाम की तरफ। देखो मेरे को दिख तो रही है यहाँ पे, मैंने तो टिकट ले लिए। साथ आया था आसिफ को, तो भाई बंदे डर के मारे। ये वाला चश्मा बाय करा है, यहाँ से खा पी के निकल गए बाहर। और भाई कैसे हो? लग तो सही रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और 13 व्लॉग शेयर कर रहा हूँ, मेट्रो स्टेशन में व्लॉग शेयर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने लिए एक अच्छी सी चीज़ खरीदने, जो कि आप लोगों को व्लॉग में पता चल गई होगी। तो चलते हैं जल्दी से, मेरे साथ आया आज। हम दोनों जा रहे हैं चांदनी चौक जाम मस्जिद। अपना एंटर और चलते हैं सीधा अपन जामा मस्जिद की ओर। स्टेशन पर यहाँ आएगी मेट्रो और जाएंगे सीधा कश्मीर गेट, वहाँ से करेंगे एक्सचेंज मेट्रो। फिर से दोबारा आज भीड़ है, देख सकते हो आप, मेट्रो इज हियर। चलते हैं जल्दी से इसके अंदर और चलते हैं सीधा कश्मीर गेट। कश्मीर गेट से चेंज करनी है हमें प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, तो जाना है फिर हमें पर्पल लाइन में जाना है, उसके बाद चेंज कर। अब आइए चलते हैं सीधा इसके अंदर। खड़े हो जाएंगे यार हम लड़के, हमारे लिए इतनी फैसिलिटी कहाँ होती है। मैं भाई तेरे खड़े होकर जा रहा तुम्हारा भाई, इज्जत ही नहीं है। वेलकम टू वेलकम कश्मीरी गेट तो पहुँच चुके हैं, अब जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। देख रहे हो भीड़ कितनी है, ओबियसली भाई भीड़ तो रहती रहती है, क्योंकि कश्मीरी गेट सबसे ज़्यादा लाइन है इधर चेंज होती है, और हमको जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। चलो यही मेरे को पिछले व्लॉग में पुलिस वालों ने पकड़ा था, लेकिन तुम्हारा भाई व्लॉगर है भाई, हर चीज़ को दिखा दी उसकी लास्ट लिफ्ट है भाई। अच्छा मेरे को पता है, ठीक है ओके समझ गया। और एज यूजली हमेशा की तरह भीड़ तो रहती रहती है कश्मीर गेट पर। कश्मीर गेट की मेट्रो वो भी खाली, देख सकते हो उधर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। फोन नहीं गिर जाए मेरे गलती से। चलो फाइनली जामा मस्जिद पहुंच चुके हैं। हमारे साथ दिन देखो क्या हो गया, टाइम लेट होने के चक्कर में 10 रुपये पे करने पड़ेंगे, वो भी एक्स्ट्रा चार्ज। अभी वहाँ पे हमारा टोकन चलने जाता, तो हमें इधर आना पड़ा काउंटर पे, और काउंटर पे ये चेक होने के बाद इन्होंने बताया कि पे चार्ज 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े, चक्कर में टाइम ज़्यादा हो गया था यहाँ पे, तो हमें 40 रुपये का पड़ा, वो भी जामा मस्जिद का टिकट जाके में 30 रुपये का पड़ा। एग्जिट कर दिया, जा रहे हैं सीधे जामा मस्जिद की तरफ, मेट्रो स्टेशन से उतर गए, और यहाँ से अपन को जाना है पैदल पैदल वॉक करके जामा मस्जिद की तरफ। मार्केट के अंदर अब देखता हूँ मैं रिंग लाइट, देखो मेरे को दिख तो रही है यहाँ पे रखी हुई। अब इनसे पूछता हूँ मैं प्राइजेस के, मैं यहाँ रिंग लाइट लेने आया हूँ और जामा मस्जिद ना जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। रिंग लाइट वो बहुत महंगी दे रहे हैं यार, लेकिन तुम्हारा भाई जा रहा है सीधे जामा मस्जिद, उसके बाद देखते हैं जो भी करना है। एक रिंग लाइट यहाँ लगी हुई, इसमें भी रेट पूछता हूँ भाई। रिंग लाइट कितने की है? रिंग लाइट कितने की है? ये तुम्हारा भाई चश्मा बताना, तुम्हारे भाई ने एक वाला चश्मा बाय करा है, सही लग रहा है ना? कमेंट में बताना जरूर। और एक वाला करा है पूरा ब्लैक में नहीं है, ट्रेंडिंग में चल रहा है जिसमें तुम्हारे भाई ने बाय कर लिए, सही लग रहा है, कमेंट में जरूर बताना। जामा मस्जिद जा रहे हैं ऊपर की साइड, पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद। थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं सामने की मार्केट का क्या हमें रिंग लाइट मिलती है नहीं मिलती आज भाई, बहुत टिपिकल हो रहा है। रिंग लाइट जो भी हमें मिली मतलब बहुत कम रोशनी की मिल रही है, बहुत छोटी छोटी मिल रही है, हमें चाहिए बड़ी वाली, कम से कम 3000-4000 वाली चाहिए, और यहाँ मिल रही है 800 वाली, तो कहीं अन्ना ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी। तो आप लोग सुबह बैठे इंजॉय करो, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। आने के बाद नमाज का टाइम भी हो गया, करते हैं जल्दी से, तो टाइम कितना हो रहा है? डेढ़ बज रहे हैं, तो जल्दी से नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद अपना करते हैं, ये भाई नमाज भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी नमाज पढ़ते हैं उसके बाद करते हैं अपना आगे का व्लॉग कंटिन्यू। तो आ गए नमाज पढ़ने, नमाज का टाइम हो गया है, पढ़ते हैं जल्दी से नमाज, उसके बाद नमाज से करता हूँ। आ तो गए जामा मस्जिद पर, लेकिन जामा मस्जिद पर आया हूँ मैं, और मैं सोच रहा हूँ मीनार पर जाने की, क्योंकि मैं पहले मीनार पर नहीं गया, तो सोच रहा हूँ मीनार पर जाऊँ
और वहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है क्योंकि इस टाइम व्यू अच्छा हो रहा है, व्यू काफ़ी अच्छा है। देखो वहाँ कुछ बंदे भी चढ़े हुए हैं, अभी कुछ लोग हैं वहाँ पर। और इधर जाऊँ ये तो है हमारी ब्यूटीफुल, सोच तो रहा हूँ कि मीनार पर जाऊँ, इससे भी क्या है ये वगैरह चलने हैं। तो देखता हूँ कितने रुपये का टिकट है, आप लोगों को बताऊँगा। और ऊपर जाने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है, देखता हूँ मीनार पर जाके कैसा होता है। फाइनली तुम्हारा भाई जा रहा है ऊपर, देखो ना मीनार, उस पर जाऊँगा और यहाँ से लूँगा टिकट, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा, डर तो लग रहा है काफ़ी, लेकिन बहुत ऊँची है यार ये, देख सकते हो आप बहुत ऊँची है। टिकट लेते हैं यहाँ से, चलते हैं सीधा। 70 रुपये का टिकट है यहाँ का, दो टिकट ना चल रहा है ना ऊपर, चल रहे हैं 70 रुपये का टिकट है। कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है, देख के आते हैं कैसा अपना एक्सपीरियंस रहेगा और चलते सीधा ऊपर। तो यहाँ से लेते हैं टिकट, हमारे मैंने दो टिकट ले लिए, चलते सीधा ऊपर। लो अपना टिकट लो भाई, चलो फर्स्ट टाइम व्यू लेते हैं कैसा नज़ारा होता है ऊपर का, चलते जी। ये रहा रास्ता और ये अंकल करेंगे हमारा टिकट का सत्यानाश। लो करो टिकट का सत्यानाश, लो भाई टिकट लो अपनी, ये कर देना सत्यानाश, फाड़ दे टिकट यार, 70 रुपये मांग लगी। और ये हो जाता है एंट्री मीनार की, अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई, जाते हुए डर तो लग रहा है, ऊपर से काफी लोग भी आ रहे हैं। आंटी कह रही है खुशी खुशी ऊपर जा रहे हो, जब वापसी आओगे ना फिर देखना। तो रहन दो फिर। क्यों ऐसे क्या ऐसे हो गए मेरे को थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है यार इतने ऊपर जाने में। यहाँ से हो रही है हमारी एंट्री, फाइनली एंट्री होती होगी। जीने देख लो खड़ी चढ़ाई है, तो मेरी आवाज गूंज रही है ज्यादा तेज नहीं होता भाई, थक जाएगा बच्चा इतनी ऊपर जाने में, अभी से हालत टाइट हो गई। यहाँ पर आप लोग जूते लेके आ रहे हो तो मत लेके आना है, 20 रुपये देने जूते रखने के। चलो चलो करो प्रवेश एंटर, इतना ऊपर भाई मेरी लुप लुप तो हो रही है, देखते एक्सपीरियंस कैसे रहेगा जाके। चैन भी लगा रखे हैं भाई, लुप 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 होती हुई देख रहे हो। यहाँ से व्यू चेक कर लो और ऊपर से व्यू चेक करना कितना आने वाला है, यहाँ होने वाला है अंधेरा भाई। दो रास्ते जाओ किधर, इसकी बैटरी अभी से ही 70 रुपये दिए ना, वापसी जा रहा हूँ भाई मैं, कुछ बात ही है डर लग रही, कुछ बात है हाँ मेरी रुक लुक हो रही है, लेकिन इतना भी नहीं डरना चाहिए बंदे को। एक्सपीरियंस कैसा है तुम्हारा, सही है ऊपर का? हाँ जब मेरे साथ आया था आसिफ को तो भाई भग गए डर के मारे, मेरे को अकेले जाना पड़ रहा ऊपर, तो मेरी भी हो रही है। तुम्हारा भाई पहुंच गया मीनार पर, यहाँ का व्यू देख रहे हो, डर तो लग रहा है लेकिन नज़ारा चेक करो भाई, यही तो व्यू चेक करने आए थे हम 70 रुपये में, अपने 70 रुपये हो गए ये व्यू चेक। चलो जरा नीचे क्योंकि चलिए मैं चल रहा हूँ आपसे नीचे क्योंकि व्यू वगैरह सब मैंने चेक कर लिया है। अब नीचे जाओ यार, नीचे जाने बहुत थकान होगी, चढ़ने में होती है वैसे लेकिन ये सीढ़ियाँ हैं भाई, यहाँ पे जाने में भी थकान होती है। आगे नीचे अब वो पता नहीं कहाँ है, बहुत तगड़ा वाला फट्टू, पता नहीं कहाँ चला गया। देखो ये खड़ा भाई ऊपर क्यों नहीं आया, क्यों फट रही तेरी आगे तुम्हारा भाई, देखो नीचे और कहाँ था मैं, इसने पूरा मजा खराब करवा दिया इस बंदे ने। यहाँ गया था मैं ना फोटो के लिए कोई ना वीडियो बनी, सिर्फ अकेला गया था अकेला, लेकिन ये गया ही नहीं फट्टू एक नंबर का, 70 रुपये फूका इनने, 70 रुपये तो ले लो ऐसा कभी, चिंता मत करो आप। और अब जाएगा तुम्हारा भाई सीधा, आ गया तुम्हारा भाई पेट पूजा करने, मैं जा रहा हूँ पेट पूजा करने क्योंकि भाई ये जरूरी है, अल्लाह चक्कर का ही गिर जाऊँगा मैं। आ गया तुम्हारा भाई उसे नीचे कर, इतने इंतजार के बाद आ चुका है, कैसा है मेरा फर्स्ट टाइम है ना, तुम्हारी रोटी
ये वो लाजमी। हाँ सॉफ्ट है, देख रहे हो धुआं दे। लाजवाब कैमरा मैन के मुंह में पानी आ रहा है, देखो पास में मैं काली ट्राई करता हूँ एक पीछे ले। ओहो ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली। यहाँ से खा पी के निकल के बाहर, अभी तो आ रहा था ना मैं से घूमने घामने, भाई चक्कर आने लग गए थे, गिर जाता मैं। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए कुछ ठंडा हो जाए, तुम्हारा भाई जाएगा मोहब्बत की शरबत। फाइनली आ गए मोहब्बत की शरबत पीने भाई के साथ। और भाई कैसे हो? बढ़िया। ये ना मजा आ जाएगा लो। क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो चेक करो भाई की स्पीड लो, कर दिया पूरा। दो मिनट पता नहीं चला तरबूज ना, जब भी आता है तुम्हारा भाई यही आता है भाई के पास ही। इंशाल्लाह भाई मिलेंगे आपसे, ठीक है बाद में। और बताइए खाना पीना सब कुछ हो चुका है, जाऊंगा मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। मेट्रो स्टेशन जाके जिस काम के लिए हम आए थे वो हमारा काम हुआ नहीं। रिंग लाइट लेने आए थे पर रिंग लाइट ले नहीं पाए क्योंकि मिली नहीं हमें जो हमें चाहिए थी, तो सीधा चलते हैं घर और चलते हैं मेट्रो की तरफ। शूज पसंद आए ये वाले, और ये वाले बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ये वाला ना, ये वाला, ये ऊपर वाले, ये वाले प्राइस क्यों होंगे इसके? 1250। ये वाले पसंद आ रहे हैं और 22 के प्राइस बता रहे हैं 1100। चलो तक तो सही रहा वैसे। इसमें और भी कलर है, ब्लैक भी है, ग्रीन भी है। यहाँ से निकलना और मुश्किल था यार। एक दोबारा जाओ मेट्रो से चलो उसके बाद। यहाँ से मैंने लिया इधर क्योंकि मैंने ये रख लिया था, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये लीजिए, मैंने रोड पर से यूँ लिया क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, इधर लो या कुछ भी लो मदद हो जाती है तो सही रहता है। मैंने इस बारे यहाँ से इधर लिया है जो जो हमने निरंतर ले लिया। फाइनली जा रहे हैं हम अपने घर की तरफ क्योंकि आज का हमारा जो दिन था जो हम लेने गए थे वो तो हमें मिला नहीं। मेट्रो में पूरा खाली पड़ा भाई, जो हम लेने गए थे वो तो हमें मिला नहीं। जो जो हम लेके आए वो आप लोगों को मैं घर पर दिखा दूंगा। चश्मे लेके आया हूँ और इधर लेके आया हूँ जो आपने दिख लिया होगा। और अपने पता नहीं क्या क्या खाया, मेरे को शूज़ भी पसंद आया था लेकिन वो बहुत महंगा था। तो अब यहाँ से लेते हैं अपनी टिकट और मैं नीचे हूँ देख रहा हूँ जीना है, अगर मैं गिरा ना तो फ़ोन भी जाएगा मैं भी जाऊँगा। पहले यहाँ से उतर जाता हूँ मैं। अब आए यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कश्मीरी गेट। अच्छा इधर की तरफ आइए, डर रहा है पागल। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गए हैं, यहाँ पे आएगी मेट्रो। फाइनली मेट्रो आ गई है, कोई नहीं बड़ी बड़ी है भरी रहने दो, हम भी इसमें भर जाएंगे। और यहीं पर खड़ा हो जाए, यही देख सामने खड़ो यही। फाइनली मेट्रो स्टेशन पे एग्जिट कर दिया, चलते हैं सीधा घर क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है और पूरी पब्लिक तुम्हारे भाई को देख रही है। भाई कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं सीधा घर भाई, टाइम हो गया है। मेट्रो की आवाज़ आ रही होगी मेरे को भी पता है, वीडियो तो बना नहीं देते कोई। तो गाइस फाइनली आ गया तुम्हारा भाई घर पे, और जिस चीज़ के लिए मैं गया था वो चीज़ तो मिली नहीं। रिंग लाइट के लिए गया था मैं, रिंग लाइट तो मिली नहीं, लेकिन हमने बहुत बार मोहब्बत शरबत पिया और जाओ बैठ की मीनार पे गए और हमने उसे ने चिकन वगैरह खाया। मैंने चश्मे भी लिए, मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ, लेकिन रिंग लाइट नहीं मिल गया। चलो कोई नहीं, अगली बार जब जाएंगे तो रिंग लाइट लेंगे। इसमें आपको चश्मा जरूर दिखाता हूँ पहन के, जो मैंने वहाँ से देखने वाला चश्मा लिया है ब्राउन वाला, इसके साइड में ये है फोकस। और हमारा दूसरा वाला चश्मा ये है, ये जो दो चश्मे मेरे को अच्छे लग रहे थे मैंने इस मारे बाय करे हैं,
और रील वगैरह बनाने के लिए मैं चश्मे लिए। ये चश्मा भी अच्छा है, इसके साइड में कुछ नहीं है। जल्दी से कमेंट बताओ कौन सा वाला चश्मा आपको अच्छा लग रहा है। और इस चश्मे के जो प्राइस हैं मैं आप लोगों को बता दूं, ये दो चश्मे के जो प्राइस हैं वो है 200 रुपये, एक चश्मे के प्राइस 200 रुपये है और मैंने दो चश्मे लिए हैं 400 रुपये के। कोई नहीं, लेकिन चश्मा अच्छा है, उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो मैंने इस बारे से बाय कर लिया। और अगर आप लोगों को भी चाहिए तो जहाँ मेरे से ले लेना, 200 रुपये के मिल जाएंगे आपको भी। और आज के ब्लॉग में यही एंड करता हूँ, और आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।